एशियन मैन चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया। इस खिलाड़ी को एक एक डायमंड दो मेडल व एक शानदार ट्रैकसूट देकर खुद चतुर्वेदी सम्मानित करते हुए अमित सेकंड इंडिया अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए खुद चतुर्वेदी। अब बारी शासक नाम के शिक्षण संस्थानों के गर्ल्स विंग की। जी हाँ, खेल योगा पांचवी एशियन जूनियर प्रतियोगिता बैंकॉक में हुई, इसमें इस खिलाड़ी ने भाग लिया। इस खिलाड़ी को पूज्य गुरुजी एक डायमंड मेडल जड़े एक मेडल व शानदार ट्रैक सूट देकर सम्मानित करने जा रहे हैं। हुसनप्रीत क्लास आठवीं योगा की खिलाड़ी योगा तालियों से स्वागत कीजिए। अगले जूडो के खिलाड़ी मिथिलेश जो कि जूनियर एशियन जूडो वुमेन चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया। यूथ एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने दो सिल्वर हासिल किए। मुझे गुरु जी एक डायमंड मेडल एक शुद्ध गोल्ड मेडल और दो सिल्वर मेडल लेकर इस खिलाड़ी का सम्मान कर रहे हैं। अगले खिलाड़ी को मुझे गुरु जी पांच डायमंड व एक गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने जा रहे हैं। ये खिलाड़ी है स्केटिंग की। इन्होंने 13वीं लेडीज रिंग हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप चिले में भाग लिया व जूनियर नेशनल में विशाखापट्टनम में गोल्ड मेडल हासिल किया। खिलाड़ी आज कक्षा 11वीं जोड़ा तालियां हो जाए। पांच डायमंड चढ़े एक मेडल व एक गोल्ड मेडल देकर इस खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए पूज्य गुरु जी। इसी चैंपियनशिप में रितु एक स्टूडेंट इनको भी पूज्य गुरु जी स्केटिंग की खिलाड़ी है। पांच डायमंड एक मेडल व एक गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोड़ ताली से स्वागत कीजिए। अगले खिलाड़ी भी स्केटिंग की है। इनको भी पूज्य गुरु जी पांच डायमंड एक मेडल व एक गोल्ड मेडल इनकी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए जो इन्होंने लेडीज रिंग हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप चिली में भाग लिया व जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। अगली जो खिलाड़ी है इन्हें पांच डायमंड जड़ित एक मेडल व दो गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने जा रहे हैं पूज्य गुरु जी। इन्होंने स्केटिंग वर्ल्ड रोलर हॉकी चैंपियनशिप चिली में जो हुई उसमें भाग लिया। 52 रोलर एंड इनलाइन हॉकी नेशनल जूनियर चैंपियनशिप मुंबई में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया व इनलाइन हॉकी चैंपियनशिप विशाखापट्टनम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अपने गुरु जी अमन जी कक्षा 11 के छात्र को प्योर बैडमिंटन मेडल पोस्टल गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करने जा रहे हैं। अगले खिलाड़ी पांच डायमंड वाला एक मेडल व एक डायमंड वाला एक मेडल व एक गोल्ड मेडल जो कि प्योर गोल्ड मेडल है देकर सम्मान कर जा रहे हैं। खिलाड़ी है जूडो की ज्योति इंसा। जोड़ा तालियां हो जाए। वर्ल्ड गेम्स टूर्नामेंट करती है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जसप्रीत सैयद एशियन टूर्नामेंट कोचिंग में भाग लिया। अगली जो खिलाड़ी है इन्हें स्केटिंग की खिलाड़ी है। इन्हें पूज्य गुरु जी पांच डायमंड वाला एक मेडल व एक डायमंड वाला एक मेडल एक गोल्ड मेडल देकर सम्मान करने जा रहे हैं। इन्होंने वर्ल्ड इनलाइन हॉकी चैंपियनशिप इटली में इन्होंने भाग लिया व चीन में भी एशियन रोलर चैंपियनशिप में भाग लिया व 53rd इनलाइन हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। अगले खिलाड़ी ये भी स्केटिंग से है। पांच पांच डायमंड वाले दो मेडल एक डायमंड वाला एक तथा दो गोल्ड मेडल क्योंकि इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रोलर इनलाइन हॉकी चैंपियनशिप में अर्जेंटीना में जो हुई वहां भाग लिया। वर्ल्ड रोलर इटली में इन्होंने भाग लिया व 17वीं एशियन रोलर चैंपियनशिप जो चीन में हुई वहां पर भाग लिया। 52 रोलर इनलाइन स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया व 53rd चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल
500 डायमंड वाले दो मेडल व एक डायमंड वाला एक मेडल तथा 200 मेडल लेकर सम्मानित कर रहे हैं। अगला खेल योगा। इस खिलाड़ी ने छठी एशियन योगा चैंपियनशिप स्पोर्ट्स जो वियतनाम में हुई वहां पर एक गोल्ड एक सिल्वर जीता। 41 नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने झारखंड में गोल्ड जीता व इनका एक और गोल्ड मेडल है। कुल मिलाकर इनको 7 डायमंड वाला एक मेडल व 5 डायमंड वाला एक एक गोल्ड मेडल तथा एक शानदार ट्रैक सूट लेकर सलाम कर रहे हैं मुझे गुरु जी। गुरु कर्मचारी सेवादार बहन नीलम मिश्रा छोटा तालू से स्वागत कीजिए। अगली जो खिलाड़ी है इन्होंने छठी एशियन योगा चैंपियनशिप में वियतनाम में हुई वहां पर भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते व भारत के लिए एक सिल्वर मेडल भी जीता। 41 नेशनल योगा स्पोर्ट चैंपियनशिप में इन्होंने जो झारखंड में हुई सिल्वर मेडल। करोड़ों लोग आए हैं, आप कहते हैं बेटी होना नहीं चाहिए, देखिए बेटियां ज्यादा मेडल ला रही है भारत के लिए और आप ताली भी नहीं मार रहे। हराने की बात कम से कम ताली तो मार सकते हैं। और एशिया में गोल्ड मेडल जीतना या वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीतना ये अपने आप में बेमिसाल बात है। अगर थोड़ी सी ताली मारोगे खून का सर्कल आपका भी अच्छा हो जाएगा और बच्चों को भी खुशी मिलती है। तो आप जरा सोचिए कितनी इन्होंने मेहनत की, छोटे छोटे बच्चे इन्होंने दिलो जान से ये मेहनत की है और इसीलिए हमने कहा था कि ओलंपिक के लिए हम खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। धोनी का ये पौध है, ये आ रहे हैं और जीत रहे हैं, भगवान ने चाहा तो देखो आगे क्या होता है। इस खिलाड़ी को योगा के खिलाड़ी को कुछ गुरु के साथ डायमंड जड़े 2 मेडल व 5 डायमंड जड़े 1 सिल्वर के साथ सम्मानित कर रहे हैं। अगली खिलाड़ी योगा की है, इन्होंने भारत के लिए छठी एशियन योगा चैंपियनशिप वियतनाम में जो हुई 4 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं। 41 नेशनल योगा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता तो कुल मिलाकर इन्हें 20 डायमंड जड़े 5 डायमंड मेडल व 1 सिल्वर मेडल देकर पूज्य गुरु जी सम्मानित कर रहे हैं। कीर्ति साथ कक्षा 11वीं। अगली खिलाड़ी ने स्टडी और स्पोर्ट्स का एक अनूठा संगम यहां पर दिखाया है। एडिक्सन अवार्ड यानी लंदन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पढ़ रही है, वहां इन्होंने भारत के चुनिंदा छात्रों में जगह बनाई है और भारत के उन चुनिंदा छात्रों में जिन्हें लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा हाई अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया है इस छात्रा को वो सम्मान मिला है। इसके साथ 2 छात्रों को सम्मान मिला है लेकिन हाई अचीवर अवार्ड के साथ साथ इस खिलाड़ी ने 5वीं एशियन योगा चैंपियनशिप में भारत को एक सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जिताए हैं। इसके अलावा छठी योगा चैंपियनशिप वियतनाम में जो हुई वहां पर इस खिलाड़ी ने भारत को 3 सिल्वर व 1 ब्रॉन्ज मेडल भी दिलाया है। एसोसिएशन नेशनल प्रतियोगिता झारखंड में हुई वहां इस खिलाड़ी ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, यानी आज इस खिलाड़ी को 29 डायमंड जड़ित 5 डायमंड मेडल 3 2 गोल्ड मेडल व 2 सिल्वर मेडल देकर पूज्य गुरु जी सम्मानित करते हुए आप छोटा तालियों से होता जड़ कीजिए। जी तो आपने देखा ये खिलाड़ी जो भारत का भविष्य बन सकते हैं जिन्होंने यहाँ खेल गांव बन रहा है वर्ल्ड लेवल का। अभी कुछ स्टेडियम वर्ल्ड लेवल के हैं या क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड लेवल का है या डाइविंग पूल वर्ल्ड लेवल का है, लॉन टेनिस का ग्राउंड वर्ल्ड लेवल का है।
रोलर स्केटिंग हॉकी स्पीड जो स्केटिंग है उसका भी वर्ल्ड लेवल का है। तो हमने इन बच्चों से वायदा किया था कि जो जो एशिया या वर्ल्ड में मेडल जीतते जाएंगे हम सब लोग मिलकर उनके लिए ग्राउंड बनाते चलेंगे। तो ग्राउंड बन रहे हैं इनके लिए वर्ल्ड लेवल के और ये बच्चे जीत रहे हैं। भगवान ने चाहा तो आने वाले टाइम में ये देश का नाम रोशन करें, ईश्वर से प्रार्थना है। आशीर्वाद दंडक सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साथ सज्जन जी तेरा सच्चा सौ गाजी, ये बहादुर हैं जो वहां जाके रहेंगे। वैसे आपने पुराना सॉन्ग सुना होगा बाबुल की दुआएं लेती जा, उसके यहां मायने कुछ चेंज हो गए, बाबुल की दुआएं लेता जा। क्योंकि हम लड़का शादी करवा के ससुराल जाता है और यहीं से, और ये बहादुर बच्चे हैं जो कुर्बानी देते हैं और वहां जाके उस माँ बाप का सहारा बनते हैं। जी साज बजाइए। और जो पगड़ी आप देख रहे हैं तुरंत नीचे तुरंत नीचे पे वो कुछ गुरु जी ने डिजाइन की है पगड़ी पहन के बैठ जाती बहुत बड़ी एक उन्हें इतिहास बनता हुआ और अब तक। और इन बच्चों ने शास्त्रार्थी की ड्रेस पहनकर फोर्स में की वर्दी जो अपनी जान पे घेर के दूसरों की जान बचाती हैं, ऐसे 75,000 सेवादार हैं, उसी वर्दी को तो अपना समझ के लेना बहुत अच्छा। आगे ले जाने दो ना, आप क्या कर रहे हो, गड़बड़ ना कर देना कोई। चलिए चलिए शाबाश।